नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा में जीत का जश्न कौन सी पार्टी मनाएगी, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन उससे पहले पार्टियों ने सत्ता हथियाने के लिए चुनावी समीकरण शुरू कर दिए हैं। राजनीति के खिलाड़ी जीत का समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी ने इस बार की चुनावी गणित को हल करने के लिए एक नई टीम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने यूपी फतह करने के लिए सुपर 30 टीम की घोषणा की है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब चंद महीने ही बाकी बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां कील काटे दुरुस्त करने में जुट चुकी हैं। वहीं बीजेपी ने यूपी फतह करने के लिए इस बार एक खास तरीके की व्यूह रचना की है, जिसको भेद पाना विपक्षी पार्टियों के लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी ने सुपर 30 टीम का ऐलान किया है, जिसमें उसने सियासत के दिग्गजों को शामिल किया है। सियासत के मजे हुए ये खिलाड़ी बीजेपी को 2022 के महासंग्राम में जीत दिलाने के लिए ताल ठोकेंगे। ।2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर लगातार जारी है। पहले केवल हाईकमान की तरफ से नियुक्त किए गए प्रभारी और सह प्रभारी ही बैठक करते थे, लेकिन अब केंद्र की तरफ से भेजे गए चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी भी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 का रण जीतने के लिए अपने सुपर 30 टीम को तैयार किया है, और इस सुपर 30 टीम में एक से एक धुरंधर मौजूद है। अगर बीजेपी की बात करें तो यूपी में बीजेपी ने अपने संगठन को 6 क्षेत्रों में बांट दिया है, और इन सभी क्षेत्रों के अलग अलग अध्यक्ष भी नियुक्त किए जा चुके हैं, जिसमें काशी क्षेत्र में महेश चंद्र श्रीवास्तव, अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी शेष नारायण मिश्रा, गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, कानपुर की जिम्मेदारी मानवेंद्र सिंह और पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी मोहित बेनीवाल के साथ ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी रजनीकांत माहेश्वरी को सौंपी गयी है। इसके अलावा केंद्र की तरफ से चुनाव के लिए एक प्रभारी और 7 चुनाव सह प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे, केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदजाले, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी शामिल हैं। केंद्रीय नेतृत्व में 6 क्षेत्रों में 6 संगठन प्रभारियों को नियुक्त करके बीजेपी ने बड़ी सूझबूझ के साथ चुनावी नींव को मजबूत कर दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सांसद संजय भाटिया को, ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी बिहार के विधायक संजीव चौरसिया, अवध की जिम्मेदारी सत्या कुमार राष्ट्रीय मंत्री को, कानपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी सुधीर गुप्ता को, गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी अरविंद मेनन और काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी सुनील भाई ओझा को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रदेश संगठन के 6 महामंत्रियों को भी इन क्षेत्रों का प्रभारी बनाया गया है, जिसका जिम्मा अनूप गुप्ता, सांसद सुब्रत पाठक, अमरपाल मौर्य, प्रियंका रावत, जेपीएस राठौर, अश्विनी त्यागी और गोविंद नारायण शुक्ला को दी गई है। वहीं बीजेपी ने सुपर 30 टीम का ऐलान कर विरोधियों की नींद उड़ा दी है। बीजेपी के इस घोषणा के बाद सपा बसपा और कांग्रेस की बेचैनी बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग हर बार चुनाव में विपक्ष पर भारी पड़ती जा रही है। ऐसे में अब इस सुपर 30 टीम से निपटने के लिए अन्य दलों को भी अपनी मजबूत रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि 2022 का चुनाव या फिर उससे पहले हुए चुनावों में बीजेपी ने जीत का डंका बजाया है। शैलेंद्र वर्मा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
वहीं गोरखपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल जिस पुलिस पर राज्य का मुखिया दम भरते हैं, उसी पुलिस के हाथ प्रॉपर्टी डीलर के खून से रंग चुके हैं। गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस में कानपुर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता और उनके दो दोस्त ठहरे हुए थे। रात में पुलिस ने चेकिंग के नाम पर लूट को अंजाम देने की कोशिश की, वहीं विरोध करने पर पुलिस ने मनीष की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद सरकार ने मामले का संज्ञान लिया और हत्यारे पुलिस वालों पर मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। बहुत दुखद है, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसी घटना हो सके। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि कोई घूमने जाए, अपने साथियों के साथ व्यापार के काम के लिए जाए और जब उसके परिवार के लोगों को सूचना मिले जान जाने की मृत्यु की, नितिन खड़े हो चुका। ये बहुत ही गंभीर घटना हुई है। मुख्यमंत्री योगी, अरे यार हटाओ भाई, बस परेशान कर दियो। इधर कार्यकाल में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है। पुलिस ही डकैत और हत्यारी हो जाए तो सुरक्षा कौन देगा? जी हाँ, गोरखपुर की पुलिस ने वो काम किया है कि सारी खाकीदारियों का सिर शर्म से झुक गया है। पुलिस ने डकैत बनकर एक व्यापारी की हत्या कर दी। कान खोल कर सुनिए, अगर आप कहीं होटल में ठहरे हैं तो फिर पुलिस से बच कर रहिएगा, क्योंकि पुलिस की नजर आपके पैसों पर हो सकती है और लूट का विरोध करने पर पुलिस वाले आपकी हत्या भी कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ जब कानपुर का एक प्रॉपर्टी डीलर अपने दो दोस्तों के साथ काम के सिलसिले में गोरखपुर गया और एक होटल में ठहरा। तब 6 पुलिस वाले, माफ कीजिएगा, पुलिस की वर्दी में जल्लादों ने, हाँ पुलिस की वर्दी में जल्लादों ने उन व्यापारियों से चेकिंग के नाम पर पैसा लूटने की कोशिश की और जब व्यापारियों ने इसका विरोध किया तब उन जल्लाद पुलिस वालों ने मनीष गुप्ता नाम के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। आप सोचिए कि जब पुलिस वाले मनीष गुप्ता को रात के अंधेरे में पीट रहे होंगे तो क्या दृश्य होगा? मरता हुआ वो प्रॉपर्टी डीलर क्या सोच रहा होगा? उसकी आंखों में अपनी पत्नी अपने बच्चे की तस्वीर बार बार आ रही होगी और वो सोच रहा होगा कि हे भगवान, आज मैं मर रहा हूं, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। मृतक प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की पत्नी के आंसुओं को देखिए और सुनिए कि वो रो रो कर क्या कह रही है। सुनिए कि पुलिस ने कितना बड़ा पाप कर दिया। सुनिए इस अभागी को जिसका पति पुलिस ने छीन लिया। सुनिए उस माँ को जिसका बच्चा पुलिस वालों ने अनाथ कर दिया। सबसे विनती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है, प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। सुना आपने कि कैसे एक महिला ने न्याय की गुहार लगाई है? आप खुद को उस जगह पर रख कर से सोचिए, आपका मन सिहर उठेगा। जब कोई बदमाश किसी पर हमला करता है तो आदमी सोचता है कि जल्दी से पुलिस को फोन कर दे, शायद बच जाए, लेकिन जब पुलिस वाले ही हत्या करने पर आमादा हो तो फिर कौन बचाएगा? ये सवाल हर व्यक्ति के मन में आ रहा है। खैर, सरकार की तरफ से मुआवजे और नौकरी की घोषणा की गई जिसे स्वाभिमानी महिला ने ठुकरा दिया है। पीड़ित महिला मीनाक्षी गुप्ता की एक मांग है कि हत्यारों को फांसी दी जाए। बड़ी बात यह है कि जहां सरकार प्रदेश भर में कानून व्यवस्था का दंभ भरती है और वहीं गोरखपुर की धरती पर हत्या हो जाना और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले ही हों, तब कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अब आप हत्यारे पुलिस वालों के नाम भी सुन लीजिए। हत्यारा इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, फल मंडी चौकी का प्रभारी हत्यारा अक्षय मिश्रा, हत्यारा दरोगा विजय यादव, हत्यारा दरोगा राहुल दुबे, हेड कांस्टेबल हत्यारा कमलेश यादव और हत्यारा कांस्टेबल प्रशांत कुमार।
मनीष गुप्ता के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यह बात साफ हो गई कि उनके साथ पुलिस वालों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। सिर में गंभीर चोटें और शरीर पर गहरे घाव इस बात की तस्दीक करते हैं कि उस रात मनीष गुप्ता के साथ पुलिस ने क्या क्या किया था। खैर, सीएम योगी ने इस मामले पर सख्त रवैया अपना लिया है। डीजीपी मुकुल गोयल को मॉनिटरिंग के आदेश दे दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राजनीतिक दल इस मामले पर सरकार को घेर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि 2022 के चुनाव से पहले यह हत्या का मामला सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकता है और इन हत्यारे पुलिस वालों की वजह से सरकार को दो कदम पीछे जाना पड़ सकता है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कानपुर के व्यापारी की गोरखपुर में हुई मौत के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार और उसके साथ साथ विपक्षी दल भी पूरी तरीके से हावी हो रहे हैं। ये मामला इतना तूल पकड़ लिया है कि अब कानपुर में भी इसका विरोध शुरू हो गया। बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में लगातार कई संगठन इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। आज यहाँ के गोरखपुर के ADG यहाँ पहुँचे और जो घटनास्थल था, होटल था, उसका निरीक्षण किया। इस समय हम होटल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, ये वही होटल है जिसमें कानपुर के व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और मामला लगातार बढ़ता जा रहा था। हालांकि कई बार गोरखपुर के जो कप्तान थे, उन्होंने कई बार, पहली बार तो उन्होंने मीडिया के सामने आके बयान दिया कि होटल में हड़बड़ाहट में वो व्यापारी गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि सोशल मीडिया, उसके बाद मीडिया में जब मामला बढ़ा तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि 6 पुलिसकर्मियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे जाँच के लिए SP उत्तरी को जाँच सौंप दी गई है। इसके बाद मामला फिर बढ़ा। कुल मिला जुला कर कहें तो अभी भी जो मृतक के परिवार हैं वो गोरखपुर पुलिस से ये मामला हटाकर कानपुर पुलिस को ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवार से मिले और संतावना व्यक्त करने के साथ ही आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया। अब देखना ये होगा जो पुलिस जिन पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है उनकी गिरफ्तारी कब होती है, क्योंकि यही पुलिस वाले हैं जब किसी मामले में मुकदमा दर्ज होता है तो यही पुलिस वाले अन्य जनपदों में, अन्य राज्यों में जाके जो अपराधी होते हैं उनको पकड़ कर लाती है। अब ये पुलिस खुद कटघरे में है तो इसकी गिरफ्तारी कब होगी? प्राइम टीवी के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।